हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम करने वाले हैं आरआरबी साइंस का प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट 10 में हम ओनली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके कंपटीशन वाले एग्जाम, चाहे वो रेलवे के जितने भी एग्जाम हो, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर जगह से इसके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी के साथ मिलकर इस प्रैक्टिस सेट को करने वाला हूं। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस को कराने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा के एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ताकि वे क्वेश्चन आपको कभी भी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ बच्चों, वे क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। और यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट देखना है, तो इसके लिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी है, आप वहां से जाकर इसका प्रॉपर आप पूरा प्लेलिस्ट देख करके पूरे प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही प्रैक्टिस सेट 11 अपलोड हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया आइंस्टीन ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने या रामानुजन ने। तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइंस्टीन ने E=mc का समीकरण दिया था, तो आइंस्टीन तो होगा नहीं डियर स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट तो होंगे नहीं, ठीक है ना। आपको पता है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था, ठीक है। रामानुजन होंगे नहीं, तो बचता है आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही उत्तर होता है। तो आप टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू, किसी शरीर के भार, क्या लिखा है कि किसी शरीर के भार W को किस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। मतलब यहां पर बताया कि W भार जो होता है, उसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो लिखा है W बराबर MV, W बराबर MF, W बराबर MS, W बराबर MG। तो चलिए पहले हम जानते हैं W भार का सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को लिखोगे भार बराबर गुणे त्वरण, क्या लिखेंगे, त्वरण लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेग है, ये तो नहीं होगी, एमएस है, नहीं होगा एमएफ है। तो यहाँ पर जो जी का मतलब है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू बराबर एमजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीन। प्रश्न क्रमांक तीन में आपसे पूछा गया है, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा बिंदी बिंदी होगी, आपको गतिज ऊर्जा बताना है। तो आपको पहले फार्मूला बता देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv2, क्या होता है, mv2 होता है, ठीक है। यहां पर द्रव्यमान कितना दिया है, 10 दिया है, वेग कितना दिया है, कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर करना, ठीक है, और 1/2 दिया है, ठीक है। तो 2 से कटा 5, तो यहां हुआ 3 हुआ, कितना बचा, 5 की घात 3 हो गया, तो 25 क्या हो गया, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 125 किस में है, आपका है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक चार। प्रश्न क्रमांक चार में आप सभी से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया है, जल का विशिष्ट आयतन जब 0°C पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, समरूप रहता है या समान रूप से रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझेंगे कि जल का जो आयतन होता है, जब जल 0°C पे होता है, ठीक है, और हम उसे जब ताप देते हैं तो क्या होगा। तो पहले हम जब किसी चीज को ताप देंगे तो पहले तो उसका घटेगा तापमान, फिर उसका बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक पांच। प्रश्न क्रमांक पांच में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को, क्या बोला गया है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी के केंद्र पर, क्या,
अवतल दर्पण ओ हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। वक्ता केंद्र पर रखा जाता तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आपको पता है कि जब किसी चीज को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वह टकरा कर उसी पे आ जाता है। तो आप बोलोगे समान आकार से, तो देखो बड़े आकार का ये होगा नहीं, छोटे आकार का होगा नहीं, बड़े आकार का होगा नहीं, समान आकार हमारा पक्ष में फंसता है। तो आप लिखोगे वास्तविक और समान आकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वास्तविक और समान आकार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक सात। प्रश्न क्रमांक सात में आपसे पूछा जाता है कि राडर किससे व्युत्पन्न हुआ है। मतलब आपको बच्चों इसमें आपको क्या बताना है, जो राडर शब्द होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो आपको लिखा है रिट्रो डिजाइनर्स रिकॉग्निशन, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, तो होगा क्या, और आप सभी को अपने कमेंट पे बताना है कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही लगाए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टी पे हम चलिए गोला लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक आठ। प्रश्न क्रमांक आठ में आप सभी से पूछा गया सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। आपको बताना है कि जब अम्ल और जब क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो इसके कारण आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो उदासीन अभिक्रिया में हमारा क्या क्या बनता है तो देखते हैं। उदासीन अभिक्रिया में हमें यह सबसे पहले याद रखना है, हमारे लवण तो बनेंगे और जल भी बनेगा। तो आप अठेमे का टिक कर दो ऑप्शन नंबर बी। क्या? अठेमे का ऑप्शन नंबर टी डी। चलिए अब आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ए सी एंड डी ये गलत क्यों है। देखिए जल का निर्माण हुआ है, ठीक है, पर इसमें गैस का नहीं होगा। देखिए अब प्लस और माइनस मिलके जो बनता है उसी प्रकार से जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लबड़ बनाते, लबड़ बनाया पर इसने गैस बनाया इसलिए गलत, लबड़ बनाया पर इसने अपक्षय बनाया इसलिए गलत। यदि लबड़ और जल बनाया होता तो आपके सही हो जाते, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे। क्वेश्चन नंबर नाइन पे पूछा गया है धातु आघात वर्धनी और कोमल होती है, कि जो धातु होती है वो आघात वर्धनी और कोमल क्यों होती है। ऑप्शन पूछा गया है परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, ठीक है, धातु चमक सकती है, धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, धातु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। तो देखिए घनिष्ठ समूह इसका होगा नहीं, धातु चमकती है तो इसका भी कोई इससे बात से लेना देना नहीं है, ध्वनि उत्पन्न करती है वो तो अधातु कुछ चीजें होती है वो भी ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो आपका क्या होता है, आपका जो सही उत्तर होगा परमाणु धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। एग्जाम्पल के लिए जब आप एक के ऊपर एक कुछ चीजें रख देते हो फिर उसके ऊपर लोड देते हो तो आप देखोगे वो चीजें फिसलने लगती है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि धातु आघात वर्धनी और कोमल होने का जो मेन रीजन होता है क्या होता है, एक दूसरे की परत फिसल सकती इसलिए होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में आप सभी से पूछा गया है रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। तो आपको बताना है किस तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था उन्होंने, कार्बन या हाइड्रोजन पे, कार्बन सोडियम पे, हाइड्रोजन सोडियम पे, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। तो आपको बताना है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दिया था। किस पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे ध्यान दे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला फ्रेंड्स है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। बताना है कि अधातु ऋणायन बनाती है तो ये बात तो सत्य है, बनाती है भैया। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है तो पक्का है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। आप सोचोगे कि धातु क्या बनाती है, तो धातु होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। यदि सोचिए कि यदि धातु अम्ल अम्लीय ऑक्साइड बनाती है तो धातु का क्षरण हो जाता है, ठीक है ना। आप देखते हो कि धातु का क्षरण नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अम्लीय ऑक्साइड के बने होते हैं, ठीक है। अधातु धनायन बनाती है तो ये बात गलत न है। अधातु क्या बनाती है, अधातु हमेशा ऋण आयन बनाती है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बात सत्य है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आप सभी से
ऑक्सीजन के एक अणु में होता है, कि ये बताना है ऑक्सीजन के एक अणु में क्या होता है। तो आप बताना है एक विद्युत संयोजी बंध, एक एकल सह संयोजक बंध, एक तिहरा सह संयोजक बंध, एक दोहरा सह संयोजक बंध। तो आपको बताना है कौन सा बंध होता है। तो आप देखोगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप पहले बताएं मुझे। तो आप में से सभी बताएंगे ऑक्सीजन का क्या होता है। फिलहाल मैं बता देता हूं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। क्या होता है? 8 होता है। और आप देखोगे ऑक्सीजन को हमेशा इस तरह लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। तो यहां पर 2 आपका बताता है कि कितने बंध बनेंगे। देखिए यहां पर आपका ओ हो गया, ये ओ हो गया, इसके बीच में क्या होगा, एक दोहरा बंध होगा, ठीक है। यहां पर एकल था इसलिए नहीं होगा, तेरा था नहीं होगा, विद्युत संयोजी नहीं होगा, दोहरा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा गया है ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। मतलब आप गैसों में जब ताप देते हो और दाब बराबर मात्रा में देते हो तो किसकी समान संख्या होती है। तो आपको बताना है परमाणुओं की, अणुओं की, मूलक की या इलेक्ट्रॉनों की। तो आप सभी को इसका सही उत्तर जो बताओगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अणु हो जाएगा। क्या होगा? अणु हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है सूची एक, ये सूची एक दिया है, सूची दो में सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बनाइए। क्या बताना बच्चों? सही उत्तर बताना है आपको, ठीक है, मिलान करना है आपको। तो चलिए हम पहले इसका मिलान करते हैं। तो मिलान करके आपको ही बताना है इसका क्या होगा। तो देखिए भंजन क्या होता है, तो भंजन किस चीज का होता है? पेट्रोलियम का होता है, तो पेट्रोलियम ट्रिक लगा देते अपन, ठीक है। प्रगलन किसका होता है? प्रगलन हमेशा क्या होता है? ताम्र का होता है। क्या होता है? ताम्र का होता है। देखो अब मैं आपको सही तरीके से समझा, भंजन ठीक है। तो आप गाड़ी में पेट्रोल डाल के भांजते हो, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके अच्छे तेज मुड़ेते हो गाड़ी को चलाने के लिए, हाँ। तो आप इससे याद कर लो कि भंजन किस में होता है? पेट्रोलियम में होता है। प्रगलन, यदि आप तांबा खा लोगे तो क्या हो जाओगे? पगला जाओगे। तो आप याद कर लो कि प्रगलन किस में होता है? तांबा में होता है, ठीक है। हाइड्रोनीकरण, तो हाइड्रोनीकरण किस में होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन किस में होता है? खाद्य वसा में। किस में होता है? खाद्य वसा में होता है। किस में? खाद्य वसा में होता है, ठीक है। अब बताता हूं आपको, अब देखोगे जो गांव से होंगे तो कभी आपके घर में मवेशियां होती है, उनके मवेशियों को मल के आप जहां पर इकट्ठा करते हो, फिर जब उसे आप निकाल के खेतों में फेंकने जाते तो आप देखो कि वहां पर बहुत गर्म गर्म फील होता है, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकोगे हाइड्रोजन बहुत मतलब ज्वलनशील होता है, जो गर्मी प्रदान करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देता है, इसलिए इसका खाद्य वसा उत्तर हो जाएगा। वल्कनीकरण, तो आप याद करो कि वल्कनीकरण क्या होगा? रबड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अगले चलते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आप इसका इस जो टिक कर लोगे बच्चों इस पर, अभी यहां पर आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी से पूछा गया है साधारण कांच ठोस मिश्रण होता है, कि आपका जो कांच होता है ये किस किस का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड, लौह कणों का, सिलिकॉन, पोटेशियम, चूना, सिलिकेट और सोडियम का, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन, सिलिका, चूना, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं, आप जब चूना, आप जब कांच बनाओगे तो आपका कांच में क्या होगा? सोडियम सिलिकेट होगा। तो देखिए सोडियम सिलिकेट ऑप डी में है, डी में नहीं है, तो इसको हटा दो। फर्स्ट में देखते हैं सोडियम सिलिकेट नहीं है। कभी आपने लौह चूर्ण मिलाते हुए देखा? नहीं। तो लौह चूर्ण होगा तो इसके कारण गलत हो जाएगा। सिलिका है, पर सिलिका क्या होना चाहिए? सिलिका सोडियम सिलिकेट, तो इसमें नहीं है। तो आपका आता है क्वेश्चन नंबर सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, सॉरी 15 हो गया, 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पौधों की आंतरिक संरचना क्या कहलाता है? अंकारिकी, वर्गीकी,
शारीरिक या औतिकी, तो आपको बताना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। देखो जब पौधों की यहाँ आंतरिक संरचना, जब पौधों को हम अंदरी चार्ज करेंगे ठीक है ना, तो उसको क्या कहलाते हैं? शारीरिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक कहलाता है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप सभी से पूछा गया है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है? जीन एक्सप्रेशन, सीक्वेंस असेंबली, एनोटेशन या प्रोटियोमिक्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 का एनोटेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जिसे उसे पहचाना जाता है, किसे पहचाना जाता है? सीक्वेंस असेंबली, तो कंप्यूटर की भाषा है तो इससे तो हम पहचानेंगे नहीं यार, ठीक है? तो अब बी वाला तो अपना गलत हो जाएगा, प्रोटियोमिक्स नहीं होगा, जीन एक्सपेंशन नहीं होगा, एनोटेंशन मतलब टें, अब इसको याद कैसे करना है? यदि आपको भूलता हो तो आप ये याद करोगे कि डीएनए में जिसके पापा टेंशन लेते हैं उसके लड़के बच्चे भी टेंशन है, जिसके जिसके पापा के बाल झड़े रहते हैं उनके बच्चों के बाल झड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेंशन लेते हैं और टेंशन लेने की बीमारी जो होती पीढ़ियों दर पीढ़ी आती है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 का आप ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे भी पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? बताना है कि मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रामस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क होता है? बताना है कि सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है? तो आप बताओ क्या होता है? प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क मतलब आपका जो मस्तिष्क का फोर हेड होता है, आप बोलते हो माथा, हाँ वही आपका फोर हेड है जिसे आप कहते हो हिंदी में प्रामस्तिष्क, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है? चलिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा गया है एंजाइम होते हैं, बताना एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम सूक्ष्म जीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी, क्या होते हैं आपको बताना है? तो आपको बताना है कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से पूछा गया है कि छोटी माता, क्या पूछा गया है कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती किससे होता है चिकन पॉक्स? तो आपको बताना है डीएनए विषाणु द्वारा होता है या वेरियोला विषाणु द्वारा होता है, स्टेटोकोकस द्वारा होता है या विब्रियो कोलोरी द्वारा होता है? तो आपको पूछा है क्या? चिकन पॉक्स। तो आपको जो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वेरियोला विषाणु, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वेरियोला विषाणु आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है आपको बताना है? चराई द्वारा, गहरी जुताई द्वारा, पेड़ लगाकर, पक्षियों की संख्या बताकर। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है किसी स्थान पे, पहाड़ों पे, तो आप उसे कैसे रोक सकते हो? तो आप देखो यदि घास चराओगे तो मवेशियां यदि चारा चरेंगी तो जो जड़ होती है चारा की वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको चराई द्वारा मृदा अपरदन तो बढ़ता ही, तो होगा नहीं। गहरी जुताई द्वारा, तो देखिए गहरी जुताई जब हो जाएगी तो मिट्टी की जो परतें होती हैं वो ढीली हो जाएंगी, तो इस प्रकार से आपका मृदा अपरदन रुकने के बजाय आपका बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। इसके बाद आता पक्षियों की संख्या बढ़ाकर। देखो भाई पक्षियों की संख्या बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पक्षी तो आकाश में उड़ते हैं तो इनका तो इससे लेने देना तो दूर दूर तक की बात कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अभी यहां पर आता ऑप्शन नंबर सी पेड़ लगाकर, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेड़ लगाकर। आप सोचेंगे पेड़ लगाकर क्यों? तो देखिए जब आप पेड़ों को लगाएंगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं नीचे जाती हैं, ठीक है ना, वो मिट्टी को आपस में एक दूसरे से बांध देती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होती है मिट्टी बह नहीं पाती है। आपने कभी नदियों के किनारे देखा होगा जहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी नदियां हैं, देखते हो कि कटा मिट्टी का कटाव होते जाता है, लेकिन पेड़ पौधे जहां पर होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है तो वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पेड़ लगाकर हो जाएगा। ओके चलिए इसके बाद आता है गोल्ड क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, मतलब गोल्डन राइस आपको इसमें से किसे कहा जाता है, मतलब उस गोल्डन राइस से आपको क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो आप में से सही उत्तर इसका बताएंगे क्या मिलता है, तो आप बताओगे विटामिन ए मिलता है। क्या होता है गोल्डन राइस से? विटामिन ए मिलता है।
विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो ये सभी आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसकी कमी से कौन सा होता है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसके कारण हमें आँख में कमजोरी आ जाती है, आँख में चीजें सही ढंग से दिखती नहीं है, ठीक है। इसीलिए गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, बिंदी 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 द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? ऑप्शन है पैफियोडीलम, देवदार, शकरकंद का बेल या साइकस। तो आपको बताना है कि द्विबीजपत्री का पौधा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स उत्तर लगाएंगे शकरकंद का बेल। क्या लगाएंगे? शकरकंद का जो बेल होता है प्यारे बच्चों, वह द्विबीजपत्री होता है। क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, पंचकार्ड को बिंदी बिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको बताना है? होलेरिथिक कार्ड, वीडियो कार्ड, ये साउंड कार्ड या एक्सेलेटर कार्ड कहा जाता है। देखो कंपनी में आप जाते होगे तो आप देखते होगे वहां पर आपके पास पंचकार्ड आपको दिया जाता है, तो आपको बताना है कि पंचकार्ड किसे कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, होलेरिथिक कार्ड। क्या हो जाएगा? होलेरिथ कार्ड हो जाएगा, ओके। चलिए इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपके इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और आप सभी को, यदि आप वीडियो को यहां तक देख लिए हैं, तो आप सभी को अपना कमेंट में बताना है कि आज की इस वीडियो पे आपको 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं आपने राइट किया है, ठीक है। यदि आपके एक बनते हैं, दो बनते हैं, तीन बनते हैं, आपको जरूर बताना। इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग सीखने ही तो आए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदी बिंदी बिंदी, ऐसे ग्राफिकल चित्र जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आप पूछोगे डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन्स या स्क्रीन। तो आप में से इसका जो सही उत्तर लगाओगे कि देखिए, ग्राफिकल चित्र, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसमें यूजर जो होता है कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन को देखता है, ठीक है ना। जिस तरह आपके मोबाइल पे देखोगे हर प्रकार के ऐप का एक लोगो होगा, एक आइकन होता है, और सबका अलग अलग नाम होता है। तो आप नाम पढ़ के तो नहीं पहचानते, लेकिन आप उसका फोटो देख लेते हो तो बहुत जल्दी पहचान जाते हो, ठीक है ना। तो इसी प्रकार पूछा गया है, पता है कि आइकन्स जो होते हैं वो फाइल, फोल्डर आदि के रूप में संचालन करते हैं कंप्यूटर प्रणाली में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो पे आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए, ताकि अगली बार जो वीडियो पे हमारा प्रैक्टिस सेट, कल प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं, तो हम सब आपके साथ मिलकर इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आपको, आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए टाटा बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।